देखो लास्ट क्लास हम लोग जो ग्रैंड पोलारिटी का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ रहे थे, वितरण नियम, उसमें हमने दो सिस्टम लिए थे। दोनों सिस्टम से एक आइसोलेटेड जो सिस्टम बना था उसके बारे में पढ़ा, और आइसोलेटेड सिस्टम ये स्टार्ट है वो क्या था, ए और ए डैश से बना हुआ, ठीक है। तो ये ए स्टार किसके बराबर है, ए प्लस ए डैश के, और इसकी टोटल एनर्जी यू स्टार जो भी हो गया तो यू प्लस यू डैश के बराबर थी, नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टार बराबर एन प्लस एन डैश, और ये दोनों के दोनों का क्या थे, कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का कारण ये था कि जो ए स्टार सिस्टम जो था वो एक कैसा सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम था। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो बाहर को पार्टिकल जा सकता है, ना बाहर से को पार्टिकल उतर आ सकता है, ना बाहर को एनर्जी चाहिए, नहीं बाहर से एनर्जी इधर आ सकती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज इसमें कांस्टेंट रहेगी। फिर हमने क्या माना कि जो ये लिखा है वो किसी आर स्टेट में है, इस स्टेट में इसकी ऊर्जा यू आर, तो इस स्टेट में इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्टोर उस स्टेट में उपस्थित है वो एन आर है, तो उस कंडीशन में ए डैश के लिए इस स्टेट के अंदर एनर्जी कितनी हो जाएगी, U star minus U R number of particles के लिए कितनी हो जाएगी, N star minus N R हो जाएगी, ठीक है। ये number of particles ये state, तो उस condition में इस state के अंदर इसके अंदर microstrip को लिखेंगे तो वो क्या होगा, U R N R, और वहीं पर इस system के लिए microstrip लिखेंगे तो ये omega constant क्या देगा, U star minus U R एन स्टार माइनस एन, ठीक है। फिर जब लिखा है ए आर स्टेट में उस कंडीशन में पूरे सिस्टम ए स्टार की अगर प्रोबेबिलिटी लिखा जाए, ए स्टार की प्रोबेबिलिटी तो वो पी आर का मतलब क्या होगा, सी डैश पी आर ए और पी आर ए डैश कंडीशन है, तो उस कंडीशन में इस माइक्रोस्टेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट में ए स्टार का भाग होगा, और इस माइक्रोस्ट्रिप में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्ट्रिप ऑफ ए स्टार का भाग होगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगी, दोनों पर्टिकुलर स्टेट की प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलेगा, तो यहां से पी आर बराबर जो बनेगा वो क्या होगा, सी डैश ओमेगा यू आर एन आर ओमेगा डैश यू डैश, ये वैल्यू है यू डैश की और ये वैल्यू क्या है इसकी है एन डैश की, मतलब यू डैश कौन सी, ए डैश की एनर्जी आर स्टेट में जब ए है उस समय, और एन डैश है नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए, ए डैश का सिस्टम जब क्या है नंबर सिस्टम ए सिस्टम किसमें है आर स्टेट के अंदर, उस पर भी सकते हैं, तो ये क्या होता है कि ए सिस्टम आता है। अब आप लोग जब ए सिस्टम आर स्टेट में है तो उस समय जो माइक्रो स्टेट है वो होने की प्रोबेबिलिटी उस अवस्था के लिए कितनी, एक है, इसके अलावा उसके अंदर और कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं है, मतलब उस स्टेट का मान होने पर एक स्टेट ही है, वैसे ही इस एनर्जी स्टेट की इसके अलावा कोई एनर्जी स्टेट नहीं है, अगर ऐसी कैसी और एनर्जी स्टेट हो जाती तो माइक्रोस्टेट की संख्या क्या हो जाती, बढ़ जाती, और उसके अलावा अगर हम मान के चले होने पर एक स्टेट है तो उस कंडीशन में इसका मान किसके बराबर होगा, एक के बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन प्रोबेबिलिटी पी आर बराबर क्या है आपकी, सी डैश ओमेगा डैश कॉन्स्टेंट में U dash, N dash आ गया। देखो U dash और N dash का मान क्या है? ये मान, ये ध्यान रखना ये U dash है, और ये क्या है? N dash है, ये ध्यान रखना। इसमें और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको U dash N dash भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चन को U star minus U bar, N star minus N bar के रूप में हम लिख सकते हैं। ओके, ये चीज निकल गई। अब हम क्या करते हैं? इसका log लेते हैं, इसका probability का। तो इसका ट्रेकिंग लॉग अगर हम लॉग लेंगे इसका, तो लॉग लेने वाली कंडीशन के लिए आप क्या क्या लेंगे, लॉग ऑफ पी आर इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी डैश प्लस लॉग ऑफ ओमेगा डैश यू डैश एन डैश, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये लिखा जाएगा तो इसका निश्चित होगा आपको क्या करना पड़ेगा कि यूनिट और एड्रेस का समान यूनिट और आपको क्या है यू स्टार माइनस यू आर एन डैश
स्टार माइनस है ना, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो लॉगरिथम के अंदर जो कांस्टेंट के अंदर फंक्शन है एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल का, इसका क्या करना पड़ेगा, पहले इससे एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो लॉग ओमेगा डैश यू डैश एन डैश का टेलर पर में से विस्तार करेंगे। जब पहले पर में से इसका विस्तार करेंगे तो इस कंडीशन में देखो लॉग ओमेगा डैश यू डैश इसका आप क्या लिख दो, यू स्टार माइनस यू आर एन स्टार माइनस एन आर, इसके सूत्र आ जाएगा लॉग ओमेगा डैश यू स्टार एन स्टार, एक ये वैल्यू प्लस डेल बाय पहली टर्म कौन सी यू की टर्म, टोटल एनर्जी अब इसकी कितनी है यू डैश लॉग ओमेगा डैश पीछे यू, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल एन डैश लॉग ओमेगा डैश पीछे क्या आ जाएगा एम। देखो यहां पे इतने पूरे मिले तो सच्चा है इसको इसके अंदर तो यूएस और इंडेस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो कमी हो रही है वो भी हो रही है पीछे एक्स प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई के अंदर जो फंक्शन वाला टेलर के अंदर वहां पे क्या यू आर और एन आर डी एक्स और डी वाई के अंदर, तो इसके पीछे भी कब क्या निकल जाएगा यू आर और एन आर इसके अंदर निकल जाएगा। इससे ज्यादा टर्मों का हमको यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि और आगे पढ़ते हमको जाना नहीं ना तो कम रहेंगे तो हमारा काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये वैल्यू आपको क्या ओमेगा डैश के लिए वैल्यू मिल गई लॉग के अंदर। अब इस मान को किस तरह दूं, इस पीआर वाले फॉर्मूले में रख दूं, जब इस पीआर वाले प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में इस मान को रखोगे तो लॉग ऑफ पीआर इसका सूत्र क्या आएगा, लॉग सी डैश प्लस लॉग ओमेगा डैश यहाँ पे सर ओमेगा जो स्टार एम स्टार प्लस डेल बाय डेल यू डैश लॉग ओमेगा डैश यू आर प्लस डेल बाय डेल एन डैश लॉग ओमेगा डैश, ये आ गया, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है लिख दो लॉग ओमेगा डैश यू स्टार एन स्टार। अब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, एन स्टार और यू स्टार, ये क्या होता है कैसा फंक्शन है, ये किसकी माइक्रोस्टेट है, ये माइक्रोस्टेट है पूरे सिस्टम के स्टार का माइक्रोस्टेट, मतलब जो ए स्टार सिस्टम उसकी जो माइक्रोस्टेट है वो ओमेगा डैश यू स्टार एन स्टार की यूनिटी की प्रीवेंट क्या रहेगी फिक्स रहेगी, इसके अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, जब इसके में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा तो इसको और इसको मिलाते हैं कि फिर से इसके रूप में लॉग ऑफ सी डैश कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं तो उसके बाद में हमने इससे जो तो पहले की क्लास की मतलब जो कल की क्लास थी उसके अंदर हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, केमिकल पोटेंशियल के लिए और एक थर्मल टेम्परेचर के लिए, जो कि किसके किस बराबर था लॉग ओमेगा जो था वो किसके बीटा के बराबर होगा और डेल अपॉन डेल एन लॉग ओमेगा जो है वो किसके अल्फा का होगा, ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एनर्जी को किसके ऊपर माना है यू डैश के ऊपर माना है और नंबर ऑफ पार्टिकल को किसके ऊपर माना है एन डैश के ऊपर माना है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों की जगह पे एक तो क्या आ जाएगा आपके बीटा आ जाएगा और एक ही जगह पे आपके क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। तो देखो इस कंडीशन में तो आपको ये वैल्यू है इस आधार पर जो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू इस आधार के ऊपर अगर हम लास्ट वाले इक्वेशन को आगे की तरफ बढ़ते हुए देखें तो ये वाला का जो है ये आपको किसके तरह लेता है बीटा के रूप में लेता है और इसका नाम किसके बराबर हो जाएगा वन अपॉन के टी। इस वाले वैल्यू को तो किस तरह में लिखोगे
alpha के रूप में लिखोगे तो इसका मान क्या लेना है माइनस की म्यू अपॉन ए हो जाएगा यही होगी। अब इन दोनों मानों को वापस किसमें रखो आप अधिक ध्यान रखना एक चीज की इसके अंदर दूसरी ये है कि जो ये है इनके बीच में क्या माइनस का साइन है और माइनस का साइन किस वजह से आ रहा है हम इसे माइनस का साइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो पीछे वाला टर्म है आप क्या लिखते हैं x plus dx y plus dy के रूप में लिखते हैं तो उस कंडीशन में जो विस्तार होता है तो बीच में क्या आता है प्लस बीच में प्लस का साइन होता है पर अगर बीच में माइनस का साइन है तो आपके बीच में यहाँ पे भी क्या है माइनस का ही तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा माइनस का साइन आएगा यहाँ पर भी कौन सा साइन आएगा माइनस का साइन अब इन दोनों जगह पे बीटा और अल्फा की तरह इनके मान रख दिए तो यहाँ से ये लो ऑफ पी आर इसको क्या देगा लॉग ऑफ सी डेस प्लस अल्फा माइनस की बीटा यू आर। अब माइनस एक तो माइनस है ठीक है और एक और माइनस आप मतलब आप अगर मान लीजिए पहले से पहले अल्फा और एन आर लेकिन अल्फा में क्या होती है इसके बराबर माइनस की व्यू अपॉन के टी के बराबर तो इसको आप क्या लिखो क्या आप इसको ले सकते हो माइनस की व्यू ऑफ बीटा ले सकते हो इसको ठीक है तो आप यहाँ पे लॉग ऑफ पी आर इसको क्या आ गया लॉग ऑफ सी डैश माइनस बीटा यू आर प्लस म्यू बीटा एन ये मान आ जाएगा। अब देखो लॉग वाली साइड को क्षेत्र पर तो लॉग पी आर अपॉन सी डैश इसको क्या हो जाएगा म्यू बीटा एन आर माइनस बीटा यू आर एंटी लॉग एंटी लॉग लोगों को आप किसका मान पता चलेगा पी आर का मान पता चल जाएगा एंटी लॉग से यहाँ से ये पी आर उसका जो सी डैश एक्सपोनेंशियल पोस्टर का बार बीटा बार आ जाएगा अंदर क्या आएगा यू माइनस के यू आर प्लस बीटा ये क्या है आपके प्रोबेबिलिटी माइनस के यू आर बीटा को कॉमन लिया ना इसमें से दोनों में बीटा ये प्लस बीटा है ना और यू यू आर यू है ये मेरे को ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था पहले कि जब इस पर डेरिवेशन को एंड करेंगे तो आप किसके अंदर रैंक गुणन का रहने संबंध करना पड़ेगा तो रैंक गुणन का रहने संबंध होता है उसमें क्या आपके आगे पार्टिकल के डिफ्यूजन से आपको क्या मिल जाता है एक केमिकल पोटेंशियल जिसमें फ्री एनर्जी का तो यहाँ पे आप इस पार्टिकल फंक्शन के अंदर भी आप देखोगे या फिर आप इस प्रोबेबिलिटी के फंक्शन देखोगे तो आपके एक टर्म कौन से एक्स्ट्रा ऐड होती है एनर्जी के रूप में पार्टिकल केमिकल पोटेंशियल जो वो इसके अंदर आ रही है। अब देखो अब यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट सी डी है उसका क्या मान है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। देखो जब आप वोल्टेज मान केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ते थे वहां पे सीरियस का आपको क्या होता था सीरियस की जगह पे आप क्या यूज करते थे ए कर देते और ए बराबर क्या था वन अपॉन जेड तो यहाँ पे भी सीरियस का मान वन अपॉन जेड होता है पर वो जेड किसके बराबर मतलब जेड क्या है यहाँ पे जो पार्टिकल फंक्शन होता है वो समेशन ए की पावर माइनस के बीटा ई आर के बराबर है तो वैसे भी सीरियस की आपको वन अपॉन जेड के बराबर तो होगा पर इस सीरियस का मान क्या होगा सीरियस के जो जेड होगा उसका क्या मान होगा वो आपको ज्ञात करना है तो इसलिए देखो पीआर बराबर आपको निकल जाएगी तो अब इस कंडीशन में ये तो हमने प्रॉपर्टी क्या है ये इसका कि कौन सी कंडीशन के अंदर प्रॉपर्टी है जब एक इसके अंदर आर अवस्था के अंदर तब प्रॉपर्टी है अगर मान लो कि क्या किसी भी अवस्था में बहुत सारी अवस्था जितनी भी अवस्था है उन सब अवस्थाओं के अंदर हो जाए मान लो वन टू थ्री फोर करके आर आपसे कुछ ज्यादा सभी की आपको प्रॉपर्टी मालूम है तो उस कंडीशन में लिखा है कि सभी स्टेट में पाए जाने की टोटल प्रॉपर्टी लिखोगे तो वो टोटल प्रॉपर्टी क्या होगा तो निकाय ए स्क्वायर की कुल प्रॉपर्टी क्या होगी समेशन पी आर के बराबर होगी और जितनी भी स्टेट हो सकती प्रॉपर्टी को जोड़ोगे तो टोटल प्रॉपर्टी मिल जाएगी इसका सूत्र क्या होगा सीडीएस समेशन ई की पावर
बीटा कोष्ठक में म्यू एन आर माइनस यू आर, ये आ गया। अब देखो समेशन ऑफ पी आर ये किसके बराबर होता है, कोई भी सिस्टम उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी पी आर किसके बराबर हो सकती है, जितनी भी अवस्था हो सबको जोड़ेंगे तो कुल प्रोबेबिलिटी हमेशा एक के बराबर होती है, उससे अधिक अधिक उसका कुछ मान हो सकता है। तो समेशन पी आर बराबर क्या है, वन यहाँ से की होल बराबर क्या है सी एस समेशन e की पावर बीटा कोष्ठक में म्यू एन आर माइनस, तो यहां से सी डैश बराबर क्या होता है, सी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा वन समेशन e की पावर बीटा म्यू एन आर माइनस, ये मान लिया। और ये किसके बराबर है, वन अपॉन जेड। तो अभी यहाँ पे जो जेड का मान है, वो जेड का मान क्या है, जेड बराबर है क्या है, समेशन ई की पावर बीटा म्यू एन आर माइनस यू। तो ये क्या कहलाता है आपके राउ कोनामिकल सब उत्पन्न किसी अलग पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल का आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसके एनर्जी का फंक्शन होगा, वो क्या होगा, ये ठीक है। अब आपको इस पर फंक्शन के बारे में पता चल गया, इसके अलावा आप किसी भी स्टेट में जाओ उन सब के अंदर तो एनर्जी और फंक्शन को जोड़ दोगे तो आपको टोटल पार्टिकल फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में पता चल जाएगा। अब इस मान को किस तरह प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में लिखेंगे, तो पी आर इज इक्वल टू आपने क्या आना है, पी आर इज इक्वल टू वन अपॉन जेड ई की पावर प्लस बीटा कोष्ठक में म्यू एन आर माइनस यू आर। अब यहाँ पे जेड का मान जेड बराबर क्या आ जाएगा, पी आर, पी आर इज इक्वल टू क्या ई की पावर बीटा यू एन आर माइनस यू आर अपॉन समेशन ई की पावर बीटा U N R ये पूरा इस फॉर्मूले का। अब देखो इस फॉर्मूले को एक और, ये कैसे स्टेट्स के लिए है, नॉन डीजनरेट स्टेट के लिए, ये और क्या है नॉन डीजनरेट स्टेट्स का मतलब क्या है, जी आर क्या है, मतलब आपने जो एनर्जी स्टेट की अवस्था मानी ना उस अवस्था कि एक ही ऊर्जा अवस्था, उससे अतिरिक्त कोई ऊर्जा अवस्था नहीं है, तो डिजनरेसी हमेशा किसके बराबर होती है, वन के बराबर। लेकिन जिस स्टेट में माना है वैसी स्टेट और भी है और उनकी एनर्जी भी उस स्टेट के बराबर है, तो उसके एनर्जी के अंदर अब वर्चस्व उत्पन्न हो जाएगी, डिजनरेसी उत्पन्न हो जाएगी, और डिजनरेसी जब उत्पन्न होती है तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल फंक्शन वो क्या होगा, फॉर ए बी जनरेट एनर्जी स्टेट, डिजनरेट एनर्जी स्टेट में क्या हो जाएगा, डिजनरेट से जी आर इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर ई की पावर प्लस यू बीटा म्यू एन आर माइनस यू आर अपॉन समेशन जी आर ई की पावर बीटा म्यू एन आर माइनस यू आर, ये इसका क्या होगा, कौन से केस में डिजनरेट एनर्जी स्टेट, ये कौन से केस में नॉन डिजनरेट एनर्जी स्टेट, नॉन डिजनरेट की कंडीशन होगी ना उस कंडीशन में ये एनर्जी का प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, और डिजनरेट स्टेट में होगा उसमें किसी पार्टिकल के पाए जाने में जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका फंक्शन हो सकता। अब देखो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गैर क्वांटम स्टेट के अंदर पार्टिकल कोई भी सिस्टम हो सकता है, कितने पार्टिकल है एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में वो ज्ञात कर सकते हैं, एवरेज एनर्जी किसी पर्टिकुलर स्टेट की कितनी है वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। एक तो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल तो मैं अभी करवा देता हूँ, और एवरेज नंबर ऑफ स्टेट जो वो कल रहेंगे जिसके ऊपर आधारित इक्वेशन भी कल उसके सामने हो जाएगा। तो अब देखो N R
कौन से विशुद्ध स्थलों में ग्रैंड कोनोनिकल विशुद्ध स्थलों जीसीडीएम जीसीडीएम का मतलब समझ लेना ग्रैंड कोनोनिकल विशुद्ध स्थलों ठीक अब देखो तो हम क्या करेंगे अगर हम किसी निकाय ए के ए में कणों की औसत संख्या औसत संख्या n बार क्या होगी किसके बराबर होगी n r p r ये देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 अपॉन n इस तरीके से एक पहली स्टेट नंबर ऑफ पार्टिकल दूसरी स्टेट नंबर ऑफ पार्टिकल तीसरी स्टेट नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे करते हैं जितने भी स्टेट हैं उन सबके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आपने डाले हो अपर नीचे क्या होगी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं उसको डिवाइड करोगे तभी आपको औसत संख्या मिलेगी ठीक है तो अब देखो n1 upon n plus n2 upon n plus n3 upon n ऐसे करके आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा n1 p1 n2 p2 ऐसे करके आप क्या करेंगे इसके ना स्टेट मतलब उस स्टेट में एक पार्टिकल तथा उस पार्टिकल के पार्टिकल की प्रॉपर्टी फिर उस दूसरे स्टेट में पार्टिकल तथा पार्टिकल के पार्टिकल की प्रॉपर्टी से आपको क्या मिलेगा एवरेज का फॉर्मूला मिलेगा ऐसे जैसे एनर्जी का जैसे जैसे एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं ई आर बी आर वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला ठीक है अब देखो अब फॉर्मूला पता चल गया अब आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर प्रोबेबिलिटी का जो सूत्र मालूम वो भी आप इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं n r बराबर समेशन n r p r का अभी हमने फॉर्मूला निकाला डिजनरेट नॉन डिजनरेट स्टेट के लिए वो फॉर्मूला क्या था p की पावर बीटा u n r माइनस अपॉन नीचे क्या आएगा समेशन p की पावर बीटा mu n r माइनस ये इसका फॉर्मूला है अब देखो निकालने क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल को निकालना है एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल देखो z इसको तो क्या है समेशन e की पावर बीटा तो इसको बोलो u n r माइनस ठीक है इसका क्या इंप्लीकेशन है इसके साथ रिस्पेक्ट में करूं केमिकल पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में इसका क्या करूं डिफरेंसेस मतलब z का अपन किसके रूप में करना है अपन म्यू के साथ इसका ऐसा इसलिए बदल दो कि हमको ऐसे एक नाम मिले जो कि इसके रूप में क्या आ जाए एक प्रश्न है उसके लिए तो देखो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे डेल जे अपन डेल जे इसको सूत्र क्या आ जाएगा बीटा एन आर ठीक समेशन ई की पावर बीटा म्यू एन आर देखो एक्सपोनेंशियल जो देखो ना दो टर्म्स है एक तो इसकी और एक ये वाला दोनों में देखो कि तो पीछे वाले का कोई म्यू की टर्म नहीं तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा अंदर वाले टर्म क्योंकि एक्सपोनेंशियल का म्यू जस्ट आया है एक्सपोनेंशियल होता है तो अंदर का सब म्यू वाले टर्म्स के डिफरेंशिएशन होगा तो उसी की टर्म में लगेगी उससे की टर्म में लगेगी म्यू ठीक है तो अब ये टर्म की इसमें एन आर अंदर रहेगा बात एनआर का मान अंदर ही रहेगा तो इसमें आएगा क्योंकि एनआर क्या है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की नंबर ऑफ पार्टिकल है जितने भी स्टेट हो सकते हैं अंदर हम क्या कर सकते हैं एनआर की जगह पहले के लिए इसके लिए इसके लिए लिख सकते हैं ऐसे बीटा के कांस्टेंट होने को बाहर निकाल कर जा सकते हैं अब देखो अब इसको क्या करते हैं आप किसी भी नंबर जेड से जेड से भाग जेड से भाग हो गया क्या आएगा वन अपॉन जेड 1 अपॉन बीटा डेल जेड अपॉन इस बीटा को इसी जब ट्रांसफर करेंगे ठीक है इसलिए इसको क्या आ जाएगा समेशन एन आर ई की पावर बीटा म्यू एन आर माइनस क्यू आर अपॉन समेशन ई की पावर बीटा म्यू एन आर माइनस ये वैल्यू किसके बराबर होती है एवरेज नंबर एन के बराबर ठीक है पूरी ठीक है पूरी वैल्यू एवरेज वैल्यू एम आर किसके
इसको एक और फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? वन ऑफ एम का मेल है ग्लो ऑफ जेड. ये क्या हो जाएगा आपके किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल के फाइव जाएगी क्या हो जाएगी औसत नंबर ऑफ पार्टिकल को इस तरीके से आप निकाल सकते हो. ठीक है ना, ये वन ऑफ एम जेड रेंज का अपने में ना, तो इसको अगर आप log of z का अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 upon z plus z upon z new ही लिखोगे ना. उस वजह से इसकी जगह इन इसको ले लेंगे जगह क्या है ये वाला. अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल का एवरेज निकालना है. उसके बाद हमें ये दिखाना है एवरेज एनर्जी का फार्मूला क्या होता है वो निकालना. एवरेज एनर्जी को लेगी तो उसके पश्चात इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पूछा गया 2011 के अंदर वो क्वेश्चन जो है कर लेंगे जो जिसके अंदर जो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल और एवरेज नंबर ऑफ एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था.